एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। एफएम न्यूज यानी भरोसा आप सबका, और भरोसे की जब बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल आपके लिए पूरे दमखम के साथ में खड़ा नजर आता है। नमस्ते, मैं राशिद। प्राइम टाइम के इस पहले एडिशन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं प्राइम टाइम की शुरुआत करूं, कुछ खास बातें आपसे करनी और बतानी बेहद जरूरी है। और हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। इस पूरे पैनल के साथ में हम बातचीत करेंगे। अवधेश सरकार हमारे साथ लाइव मौजूद है, एके मिश्रा जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके साथ में शुरुआत करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश जिसकी साक्षरता दर 69.72%, 158,396 बेसिक स्कूल जबकि आबादी 22 करोड़, 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, एक टीचर के भरोसे चल रहे स्कूलों में यूपी दूसरे नंबर पर है और यूपी में 39 बच्चों पर सिर्फ एक टीचर है। और ऐसे में यूपी को विकास की जरूरत है या रंग बदलने की जरूरत है? और ये रंग क्या राजनीति की चाशनी में लपेट करके एक मुलम्मा चढ़ाने की जरूरत है इस रंग को? राशिद भाई, देखिए, आप किसी भी रंग से करें लेकिन अगर विकास करें तो प्रश्न नहीं उठेंगे। आप किसी भी रंग से विकास कर दें, आप लोगों को शिक्षा दे दें, लोगों को रोजगार दे दें, उनको मजदूरों को मजदूरी दे दें, बेरोजगारों को रोजगार दे करके महिलाओं के प्रति अत्याचार खत्म कर दें, तो हमें किसी रंग से प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे आज ही उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दिए हैं वर्तमान सरकार ने। उसमें कहा है कि साहब, हम बाबा गोरखनाथ जी की, बंधु सिंह जी की और बाबा गंभीर नाथ जी की जीवनियां अभी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 के पाठ्यक्रमों में और अभी और शामिल करेंगे। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर ये उठ रहा है कि एक तरफ तो वर्तमान के शिक्षा मंत्री जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से लेकर केंद्र तक की कह रही है कि उत्तर प्रदेश में वही शिक्षा नीति लागू होगी, वही किताबें लागू होंगी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं। तो क्या वर्तमान की सरकार ने एनसीईआरटी से इस पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर के कहीं कोई विचार विमर्श किया, कोई कमेटी बनाई, प्रोफेसर रसपाल से बात की, प्रोफेसर राजपूत से बात की, या किससे बात की, क्या सरकार सामने लाएगी? तो जवाब आता है नहीं। तो यहां पर किस तरीके से आप क्या करना चाह रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका बच्चों को लेकर के क्या है? आपने जैसे अभी स्कूलों की स्थितियां बताई, परिस्थितियां बताई, अभी तो आपने टीचर्स की बात बता दी, शौचालय से लेकर के बच्चों के लिए जो एडिशनल सिक्योरिटी स्टाफ है और जो सहायक स्टाफ है उसकी तो बात ही नहीं। बच्चे, मैं आपको बताऊं, बीएड टीईटी वाले बच्चे हैं 12,460 जिनको सिर्फ नियुक्ति पत्र देने हैं, उनको लेकर के आज तक एक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। आपने कहा कि साहब, हम 1.5 से 2 लाख टीचरों की भर्ती करेंगे, बीएड और टीईटी के सारे टीचर हमारे भर्ती हो जाएंगे। शिक्षा मित्रों को लेकर के आप अजीब किस्म कश्मकश में फंसे हुए हैं। तो यहां पर आपने शिक्षा नीति को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और उसके ऊपर आप भगवा चढ़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपके सवाल भी वाजिब होंगे, जनता के सवाल भी वाजिब होंगे। 1.5 से 2 लाख टीचरों की कमी से जूझता हुआ उत्तर प्रदेश अगर बेसिक पर इस तरीके की बात करेगा जहां पर कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रहेगा, तो निश्चित तौर पर आप शिक्षा को और अवधेश कुमार भी हमारे साथ हैं, आप वैज्ञानिक सोच की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, उत्तर प्रदेश को जरूरत किस बात की है? अवधेश जी बड़े वरिष्ठ हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। हाँ, अवधेश जी हमारे साथ में। अवधेश जी, उत्तर प्रदेश को जरूरत किस बात की है? रंग बदलने की है, सियासत का चरित्र बदलने की है, बिजली सड़क पानी की है, शिक्षा की है, या फिर किसी और चीज़ की? नहीं, आपने जितने प्रश्न किए हैं उसमें एक रंग बदलना छोड़ के बाकी सबकी जरूरत है। रंग तो आपका भी बदला हुआ है, भगवा रंग में तो आप भी हैं। दुर्भाग्य से नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य? नहीं, मैं अपने शरीर, अरे बताइए ना, दुर्भाग्य है सौभाग्य है? मैं अपने शरीर पर भगवा पहन लूं तो क्या मैं सन्यासी हो जाऊंगा? अच्छा, फूल रंग देने से, अरे सुनिए ना, टोल रंग क्या होता है ना, ऑफिस रंग देने से। अवधेश जी, अवधेश जी, क्या होता है ना, सुनिए मैं बताता हूँ आपको। जब भगवा आप पहन लेते हैं तो आज की तारीख में आप सन्यासी नहीं होते हैं। आप भगवा पहन लेते हैं ना तो आज की तारीख में आप सियासतदान हो जाते हैं, वो जो कि भगवा मुलम्मा जिसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है।
इसीलिए मैंने पूछा। नहीं तो ये तो महत्वपूर्ण बात है ना कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो बहुमत मिला था वो बहुमत मिला था देश से अपराध को खत्म करने का, सुशासन के लिए, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए। अगर आप वो करेंगे तो आपका अपने आप जन समर्थन बढ़ेगा। अगर वो काम नहीं होगा और टोल रंग देंगे, ऑफिस रंग देंगे, शौचालय रंग देंगे, अगर इसमें आप अपनी ऊर्जा खत्म करेंगे तो इससे किसी को क्या मिलने वाला है, बल्कि इससे तो जो भगवा रंग है जिसके प्रति एक आकर्षण होगा उसको भी वितृष्णा पैदा हो जाएगी। क्या भगवा रंग कुशासन के लिए है? क्या भगवा रंग शिक्षा में काम न करने के लिए है? क्या भगवा रंग अपराध के विरुद्ध काम न करने के लिए? सारे प्रश्न उठेंगे। मुझे लगता है कि कई बार जो अधिकारी गण होते हैं वो कुछ ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और वो शायद नेताओं को खुश करने के लिए कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जो अनावश्यक होते हैं और जो काम करना चाहिए वो नहीं होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो आज आपका सवाल है कि हर रंग भगवा, ये मुझे लगता है इसी की परिणति है कि देश में, उत्तर प्रदेश में एक बहुमत मिलने के बाद बहुत सारे नीचे स्तर के अधिकारी, कर्मचारी, ऊपर वालों को ये लगता है कि हम इससे शायद भारतीय जनता पार्टी नेता को खुश कर देंगे ये करने से, और बाकी काम शायद पीछे रह जा रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर सरकार को स्वयं सचेत होना चाहिए, क्योंकि भगवा जो है वो वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में त्याग का, सूर्य के रंग का प्रतीक है, उसका इस प्रकार से दुरुपयोग होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसके पक्ष में कतई नहीं हो सकता। एके मिश्रा जी, जानते हैं पत्रकारिता के इतने लंबे करियर में अभी तक मैं एक बात नहीं समझ पाया कि रंग के मायने सियासत में क्या होते हैं। यकीन जानिए मैं आज तक नहीं समझ पाया। 1952 से लेकर के अब तक न जाने कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, और पिछले कम से कम ये तो कह सकता हूँ कि 2 दशक की राजनीति में, कह सकता हूँ आज की तारीख में, मैंने अपने बहुत करीब से देखी हुई है, 2 दशक की राजनीति में मैं समझ नहीं पाया। और तो और भगवा टाइल्स भी यहाँ पर हो जाती हैं और वो भी बाथरूम की, हरदोई में, ये आपको पता ही होगा। एक बात ये बताइएगा, समझाइए मुझे, क्या जनसंघ की स्थापना से पहले या 1980 में बीजेपी की स्थापना से पहले सियासत को कोई रंग होता था या नहीं होता था? रंग बताइएगा। नहीं राशिद, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए रंग और सियासत आप इन दोनों को अलग और जुदा जुदा नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बहुत, आपने अभी ये आजादी के पहले, आजादी के टाइम तक का अगर आप इतिहास देख रहे हैं, मैं बोलता हूँ हजारों लाखों साल पहले तक का आप इतिहास उठा करके देखिए। देखिए रंगों का क्या होता है, कोई न कोई रंग किसी न किसी चीज का प्रतीक होता है। हमारे देश में पुरातन काल से अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा सौम में सबसे ज्यादा जो है अगर अच्छा किसी रंग को माना गया है, भगवा रंग को माना गया है। मैं देखिए पॉलिटिक्स से थोड़ा इतर होके, एक सेकंड रुकिए। मेरे सहयोगी राघवेंद्र त्रिपाठी मेरे साथ में इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। राघवेंद्र, आप जहां पर खड़े हैं आपके बाईं तरफ भी मुझे कुछ भगवा दिख रहा है, क्या लखनऊ में भी कुछ नया भगवा हुआ या नहीं हुआ? थोड़ा दिखाइए, कैमरा घुमा करके दिखाएं आप जी। लखनऊ के रग-रग में भगवा बसा हुआ राशिद जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यालय पे हूँ, यहाँ भगवा को लेकर सियासत शुरू हुई थी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुर्सी संभाले तो भगवा तौलिया ढूंढ के लाया गया था। लोक भवन में राजसंपद विभाग के अधिकारी गवाह हैं कि उनको आधे घंटे लग गए थे भगवा तौलिया ढूंढने में। उसके बाद NXC को भगवा किया गया, फिर हज हाउस को भगवा किया गया। जब हज हाउस को भगवा किया गया तो वहाँ बवाल मचा, उसके बाद उसका रंग बदल दिया गया। तो भगवा रंग जरूर शांति का प्रतीक है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते जरूर है, लेकिन जब इसमें सियासत का रंग मिला दिया जाता है तो भगवा रंग कुछ और संदेश देने लगता है। चूंकि टोल प्लाजा पे भगवा रंग करना, इसके बाद हज हाउस को भगवा रंग करना, डिवाइडर पे भगवा रंग रंगना, थोड़ा ताजुब जरूर पैदा करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत की एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, बड़ी दिलचस्प ये रिपोर्ट है। और भगवा राजनीति में किस तरीके से भगवा राजनीति के चश्मे से देखा जाए, या यूं कहें कि जैसा कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे, मिश्रा जी ये कह रहे थे कि बहुत बार अति उत्साह के शिकार हो जाते हैं जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, और सियासतदानों को खुश करने के लिए, यूं कहें कि निज़ाम को खुश करने के लिए, या फिर निज़ाम के मातहत जो काम कर रहे होते हैं उन्हें खुश करने के लिए वो भगवा रंग देने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल में मुजफ्फरनगर टोल पर हुआ क्या है? जब टोल से आप गुजरते हैं तो उसे भगवा रंग देने की कोशिश क्यों की गई है? आप एक बार ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, रियलिटी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर से मैं अपने मेहमानों के बीच चलूंगा। इस टोल प्लाजा पर पहली नजर में कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यह यूपी की राजनीति में भगवाकरण का एक और सबूत है। बस भगवा, आंबेडकर की मूर्ति भगवा, स्कूल भगवा,
और सीएम आवास भी भगवा। यानी देश के सबसे बड़े सूबे को भगवा रंग में रंगा जा रहा है। सवाल है कि योगी सरकार में यह भगवाकरण क्यों हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अभी विकास को लेकर एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इसलिए प्राइम टाइम विद राशिद में आज का सवाल कि क्या योगी का विकास रथ अपना रास्ता भटक गया है। और इसीलिए आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ देख रहे हैं कि रंग दे तुम्हे भगवा, और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में इसी तरह का गाना चल भी रहा है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरेंद्र जी बहुत दिलचस्प बोला करते हैं। सुरेंद्र जी एक बात ये बताइएगा, अगर भगवा रंग ही रहे हैं आपको दिक्कत क्या है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं राशिद भाई, हमने तो कहा ना, मेरा तो ओपनिंग कमेंट ही था कि हमें अगर आप विकास दे रहे हैं और भगवे रंग से दे रहे हैं तो हमें आज दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रश्न ये है ही नहीं कि हमें तो विकास दे दीजिए, हमें रोजगार दे दीजिए, हमारे बच्चों को रोजगार दे दीजिए। 5 से 5.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं और करोड़ों बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं। आपको बताओ तो लगभग 1.5 लाख पुलिस की भर्तियां आप कह रहे हैं कि आप करेंगे, लेकिन आपने अभी तक एक भर्ती नहीं करी। आपने कहा लगभग 64,000 टीचरों की हमने भर्ती निकाली, वो फिर आपने फंसा दी। आपने कहा कि टीटी के बच्चों को 12,460 को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, वो आज तक नहीं दिए आपने। NRHM के जो नर्सों के वो थे जिनको नियुक्तियां करनी थी, उसमें आपका पेपर आउट हो गया। CRPF से लेकर के बाकी तमाम जगहों पर पेपर आउट हो गए। 1.5 लाख भर्ती पुलिस की आप बोलते हैं, आपके पास सिर्फ संस्थान में 12,000 एक साल में क्या पुलिस के सिपाहियों को भर्ती करने की क्षमता है, 1.5 लाख आप कहां से कर देंगे? आप उत्तर प्रदेश की महिलाओं के प्रति अपराध में 37 से 42% की वृद्धि हो गई। NHRC की आपकी रिपोर्ट है, NCRB के आंकड़े हैं, उसको लेकर के गन्ना किसानों को लेकर के आपने कहा कि हम साहब 7,000 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, उसमें आप मिल मालिकों को एथेनॉल बनाने के लिए पैकेज दे रहे हैं, लेकिन गन्ना किसानों के भुगतान के लिए आपने 1 रुपया नहीं दिया। कहते हैं कि साहब 30 लाख बफर का टन बफर स्टॉक करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि अवधेश जी भी बड़ी अच्छी भाषा, हम ही लोगों की भाषा, विकास की भाषा बोल रहे हैं। शायद अगर अन्य उस पर भी हमारे साथ ऐसे बोले तो शायद हो सकता है योगी जी के कान में भी चली जाए। अवधेश जी पे तो शक है आपको? रंग को लेकर के कोई आपत्ति नहीं। सुरेंद्र भाई अवधेश जी पे शक है क्या? शक नहीं है मित्र, आपको शक है इन पे? मेरे पर टिप्पणी करते रहते हैं, अभी भी करेंगे। नहीं नहीं, जैसे ही मैंने कहा ना कि मुझे आज अच्छा लग रहा है, आज आज मैं तो पत्रकार निभा रहे हैं, मैं तो समझता था तटस्थ पत्रकार, आज हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक तटस्थ पत्रकार के ऊपर ऐसा सवाल उठ रहा है? नहीं, विकास के लिए काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। असल में ऐसा है कि सुरेंद्र राजपूत जी जो हैं वो तो मेरी पर टिप्पणियां करते रहते हैं और मुझे उसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता है। मेरे बारे में सबको अपनी धारणा बनाने का अधिकार है, लेकिन हम लोगों का धर्म पत्रकारिता है, वो जो भी सच लया करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, 1.25 साल करीब करीब हो गया, अब उसको एक उसके परिणाम दिखने चाहिए उत्तर प्रदेश में। भगवाकरण का मतलब अगर ये है कि हम हिंदुत्वकरण करना चाहते हैं, तो वो व्यवहार में भी तो कहीं दिखना चाहिए कि क्या है, वो तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो वो केवल रंग रंगने से ये इसका कोई मतलब नहीं है, उसमें ऊर्जा खर्च करना, बल्कि उससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वितृष्णा पैदा होगी। जो आंकड़े सुरेंद्र जी दे रहे हैं उसमें अगर सच्चाई है, जो काम इनको करना है, पुलिस की भर्ती आपने शिक्षकों की बता दी, एक एक स्कूल में एक एक शिक्षक है, उनमें शिक्षक बढ़ाए जाए, समय पर ठीक से पढ़ाई हो, उन पर ध्यान दिया जाए, अपराध पर ध्यान दिया जाए। अभी टोल रंग देने से हमको यह समझ में नहीं आता है कि टोल को हम भगवा रंग में रंग देंगे, किसी स्कूल को भगवा रंग में रंग देंगे, हम सरकारी ऑफिस को भगवा रंग में रंग देंगे, उससे क्या अंतर आ जाएगा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश देश में, उत्तर प्रदेश की मुख्य उसका आधार क्या है? उत्तर प्रदेश का मुख्य आधार कृषि है। कृषि के क्षेत्र में अगर किसानों के लिए सुविधा का काम हो, कृषि वहां समुन्नत हो, कृषि पर आधारित उद्योग लगे, गन्ना किसानों का समय पर भुगतान हो, अगर ये सारे काम इस पर फोकस सरकार कर दे तो ये बेहतर भगवाकरण होगा मेरी दृष्टि से।
इसलिए मैं जो ये कलर है मैं बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करता हूं, ये होना भी नहीं चाहिए, ये एक अतिवाद का द्योतक है। इससे बाहर निकल के सरकार को, अगर सरकार को हिंदुत्व से इतना ही प्रेम है तो एक उत्तर प्रदेश सरकार का रीट लेके सुप्रीम कोर्ट में जाए राम जन्मभूमि को लेके, उसकी तो कोई चर्चा नहीं है, जो काम करना है। तो जनता है उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ पर विकास का एक अर्थशास्त्र हुआ करता है, एक अर्थशास्त्र जो कि सोशल इंजीनियरिंग के पैमाने से जब होकर के चलता है तो सियासत के रंग बदलने लगते हैं, और जब रंग बदलने लगते हैं तो फिर उसके बाद ये समझ लीजिए कि शायद चुनाव आसपास ही है। और उत्तर प्रदेश में अगर एक के बाद एक कभी डॉक्टर आम्बेडकर अगर भगवा हो रहे हैं, या फिर अगर टोल प्लाजा भगवा हो रहा है, या फिर हरदोई में बाथरूम की टाइल्स भगवा हो रही हैं, या सरकारी दफ्तर भगवा हो रहा है, तो इसके भी अपने आप में कई मायने हैं। बीजेपी के नेता सुनील भराला हमारे साथ में इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे हम सुनील भराला के पास में चलते हैं। सुनील भराला जी, आपको क्या लगता है आज की तारीख में प्रदेश की जरूरत क्या है, भगवा या विकास? देखिए, जब पहली प्राथमिकता तो भगवा है, और जब भगवा होगा तब विकास होगा। सुनील जी, आप क्या बात कर रहे हैं, भगवा आपके लिए विकास से भी ऊपर भगवा है? हाँ, पहले सुनील जी, आपके लिए विकास से ऊपर भगवा है? हाँ, पहले भगवा है। आपके लिए शिक्षा नहीं है, आपके लिए रोजगार हाँ, नहीं है, भगवा है पहले आपके लिए? नहीं, देखिए, आपके लिए महंगाई चली जाए ये नहीं है? आप बहुत विवादास्पद बयान दे रहे हैं सुनील भराला जी। सुनील जी, आप विवादास्पद बयान दे रहे हैं। भारतीय आपका स्टैंड है या बीजेपी का स्टैंड है सर? ये आपका स्टैंड है या बीजेपी का स्टैंड है? देखिए, ऐसा है नहीं, ये स्टैंड जो है ये हमारा है और भारतीय जनता पार्टी का भी स्टैंड है ये। हाँ, अच्छा, यानी भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर अगर 69% है, अगर 69% है तो उतनी ही रह जाए, पहले भगवाकरण होना चाहिए। यानी यूपी में अगर 3.5 लाख शिक्षकों की कमी है तो वो कमी पूरी ना हो, पहले भगवा स्कूल में कर दो। सेहत के तौर पर डॉक्टर ना मिले, डॉक्टर की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो जाए, लेकिन ऑक्सीजन को पहले भगवा कर दो, आप यही चाहते हैं? हाँ, यही चाहते हैं आप? सबसे पहले वही है ना, भगवा का मतलब तो प्रभु से है, भगवा का मतलब तो भगवान से है। भगवा क्या है? जो हमारे साधु संत है, हमारे आपके हमारे मठाधीश हैं, मठ मंदिर हैं, और आप हमारे आदि शंकराचार्य हैं, और हमारे भगवान के रूप में जो हम देखते हैं जिसको, वो भगवा में ही तो है सब कुछ। तो उस सबसे पहले भगवा है, जहां से जन्मे हैं हम लोग, तो उसमें दोराय नहीं है कुछ भी, और उसमें कोई विवाद। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सुरेंद्र जी, यूपी में 20,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, सुनिएगा, यूपी में 20,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, एक टीचर के भरोसे में 1 लाख से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं, ये सब आंकड़े हैं। 3,500 लोगों पर एक बेड है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी ने 15 जून 2017 तक सड़क पर गड्ढा भरने का कई अल्टीमेटम भी दिया हुआ था, वो गड्ढे भी नहीं भरे गए। इन सभी मसलों को छोड़कर सुनील भराला के लिए अगर आज की तारीख में कोई वाकई में मुद्दा है तो उनके लिए भगवा है, विकास के पैमाने बैक बर्नर पर है। सुरेंद्र जी, देखिए, सुनील भराला बड़े अच्छे इंसान हैं, अच्छे आदमी हैं, इनका बस चलेगा तो ये जो गन्ने की पत्तियां हैं उनको भी भगवा कर देंगे, सब्जियां हैं जो वहाँ पे पालक और लौकी और तुरई है इसको भी ये भगवा कर देंगे। ये तो इनका बस नहीं चल रहा है, अकरंगी फूल ये लोग चाहते हैं। अब इस बात का तो जवाब एक बार अवधेश जी भी दे कि सुनील भराला जी जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है, लौकी, बैंगन, धनिया, तोरी, सुरेंद्र जी, ये सब कुछ भगवा कर देंगे क्या? मैं सुरेंद्र जी की बात से, अरे बताइए ना पहले सुनील जी। हाँ बिल्कुल, सुरेंद्र जी की बात से मैं सहमत, मैं हाँ हाजी, मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बात को। यही योगी जी भी कहेंगे, जो कह रहे हैं बिल्कुल, यही योगी जी भी कहेंगे, यही अमित शाह भी कहेंगे, और सुरेंद्र जी, यही नरेंद्र मोदी भी कहेंगे, सुरेंद्र जी यही योगी जी भी कहेंगे, यही अमित शाह भी कहेंगे, और यही मोदी जी भी कहेंगे। सुरेंद्र जी का एजेंडा अगर कोई, हाँ बिल्कुल सही बात है, और मैं आपसे बता दे दूंगा, एक बार ये बात भी पूछ लीजिएगा इनसे, सुरेंद्र जी से ये बात पूछ लीजिएगा,
अगर सुरेंद्र जी को टेलीविजन से हटा करके अगर आप पूछोगे तो ये प्राथमिकता भगवा बताएंगे, लेकिन यहाँ टेलीविजन में बैठे इनकी पार्टी के एजेंडे में नहीं है, इनकी पार्टी इसके विरोधी है। भराला जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, भराला जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक मिनट रुक जाइए भराला जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, भगवा कैसे बना, एक मिनट सुनिए, पार्टी के प्रवक्ता को बैठाया है, ये जो है ये ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बैठा है उत्तर मध्य प्रदेश में 2003 से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको कहीं शौचालय भगवा रंग में रंगने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी सड़क को भगवा रंग में रंगने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी वो सरकार बनी हुई है, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बनी हुई है। ये उत्तर ये तो कर रहे सुरेंद्र जी के बाद से सहमत है, ये गन्ना को भी भगवा करेंगे, ये जो है साग और सब्जी को भी भगवा करेंगे जो सुरेंद्र जी ने कहा है, तो आपने अच्छे प्रवक्ता को बैठा हुआ कह रहे हैं भाजपा की यही नीति है। ब्रेकिंग न्यूज है वो, छोड़िए, ये मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है, ये मेरे लिए हेडलाइन स्टोरी है कि मेरे शो में बैठ करके बीजेपी का एक एक नेता ने ये कहा है कि प्रदेश के विकास से ज्यादा उनके लिए भगवा जरूरी है। भगवा, अच्छा ये तो आपको पता होगा ना भराला जी कि भगवा बना कैसे है, भगवा जो है भगवान के रूप और भगवान शब्द से बना हुआ ये भगवा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भगवान तो इंसान के हर एक रूप में है, तो आप सिर्फ रंग देने में ही क्यों विश्वास कर रहे हैं? तो ये तो सफेद कुर्ता पहन के बैठे हुए हैं, एक मिनट रुक जाइए, ये सोचने का, सुनील भराला, ये सोचने जी, ये सोचने का अंतर सुरेंद्र जी का हो सकता है, ये सोचने का अंतर अन्य और राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं का नेताओं का हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता से लेकर नेता तक भगवा के प्रति श्रद्धा है, भगवा के प्रति आस्था है, भगवा के उससे रहते हैं और भगवाकरण हमारा है, इसमें हम कोई संकोच नहीं करते ना संकोच करेंगे। हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि इस सृष्टि की रचना है तो भगवान से सृष्टि की रचना है, और जब रचना के साथ हम हैं तो भगवान को हम मानने वाले लोग हैं, भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं हम, भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं हम। ये तो जब इनकी पार्टी के नेताओं के अगर बयान सुनोगे तो ये तो भगवान श्री राम पर भी क्या टिप्पणी कर सकते हैं, तो मैं कल्पना नहीं कर सकता, इस बात की सोच भी नहीं सकता। और सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि गन्ने के खेत की पत्ती और गोभी की पत्ती और तोरे की पत्ती, मैं कहता हूं कि भगवा ही सब कुछ है और इन्हें भगवाकरण अपना लेना चाहिए इनको भी। सुरेंद्र जी से मैं बता देता हूं कि सुरेंद्र जी वास्तव में अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप इनसे अगर कमरे में जाकर के पूछोगे तो ये कहेंगे कि अगर हमारे हिंदुत्व की अगर कोई आस्था है तो भगवा है और प्राथमिकता भगवा है, अच्छा। ये बताइए खुद ही, लेकिन अच्छा। ये पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, ये बता नहीं पाएंगे। मैं पार्टी के सुरेंद्र जी, ये तो आपके राजनीतिक चरित्र पर ही सवाल उठाने लगे। सुरेंद्र जी, सुनील भराला आपके राजनीतिक चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं कि पर्दे के पीछे जाकर के अभी ये कहेंगे कि भैया आस्था का रंग भगवा है, और जब सबके सामने आएंगे तो आप भगवा भूल जाएंगे, ऐसा है क्या सुरेंद्र जी? राशिद भाई, धर्म मेरा निजी विषय है, धर्म सुनिए, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। धर्म मेरा निजी विषय है, विकास, राजनीति और समाज, इन नीतियों के लिए हम यहां पर बैठे हुए हैं। अगर मैं मंदिर में जाके पूजा करता हूं तो मेरा वो निजी विषय है, मैं टीका लगाता हूं निजी विषय है, लेकिन वो टीका और वो चीजें मेरे विकास के काम में, राजनीति के काम में और सामाजिक कार्यों में बिल्कुल भी सामने नहीं आनी चाहिए। सुनील भराला जी से मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि आप सब भगवा कर दीजिए, लेकिन उसके बाद 3.5 लाख बच्चों को नौकरी तो दे दीजिए, पुलिस के में भर्ती तो कर दीजिए, महिलाओं के प्रति अत्याचार को भगवे ही रंग से खत्म कर दीजिए, खत्म तो कर दीजिए। आज की डेट में जितने यहां से लेकर के ऊपर से लेकर नीचे तक जितने गंभीर किस्म के अपराध बच्चियों के साथ हो रहे हैं, और जो जिनको कहीं ना कहीं मैं संतों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन संत बने हुए अपराधियों को भी आप क्या भगवा रंग से ही बचाएंगे? आप चाहे वो आसाराम हो, चाहे झासाराम हो, और चाहे वो अभी दाती महाराज हो, चाहे वो इसके अलावा तमाम संत के बहुत बड़े समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं, हो या मुसलमान करने वाले लोग, आसाराम के बहुत बड़े, सुनिए सही, आसाराम की बात मत कीजिए, बहुत बड़े समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं। राशिद भाई सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है,
राशिद, मैं फिर से मैं बता दूं आपसे, अगर आप इन सारी चीजों को रोक सकते हैं और पूरे प्रदेश को भगवा करना चाहते हैं तो करिए। और एक बहुत बढ़िया सवाल उठाया अवधेश जी ने कि 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, 15 साल से आपका छत्तीसगढ़ में सरकार है, पिछले 5 साल से राजस्थान में सरकार है, 4 साल से देश में सरकार है, 10 करोड़ रोजगार अगर आप देने के बाद उसको देश को भगवा करते तो हम मान लेते। आज की डेट में किसानों की आत्महत्या दर को आप जीरो कर देते तो हम मान लेते, सारे किसानों का आप कर्जा मुक्त कर देते तो हम मान लेते, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का आप क्या नाम फसल का मूल्य देते थे तो हम मान लेते, मनरेगा की मजदूरी डबल करके आप उनको भगवा गमछे दे देते तो हम मान लेते। लेकिन यहाँ पर खाली आप भगवा 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 नाम लेकर के धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का जो आप काम कर रहे हैं। सुरेंद्र भाई सुनिए, उसके बाद मुझे जयराम जाटव के पास भी जाना है, एक मिनट रुक जाइए। पॉलिटिकल कमेंटेटर एके मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं। एके मिश्रा जी अपनी बात तो कहिए ही कहिए, और साथ ही साथ एक बात बताइएगा मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में। हाँ सुनील भाई आता हूँ, सुनील जी आता हूँ, सुनील जी आता हूँ आपके पास। सुनील जी सरकार, अरे रुक तो जाइए, सुनील जी रुकिए, पीछे का पर्दा भी कर लीजिए भगवा, एक काम कीजिए पीछे का पर्दा भी भगवा कीजिए, तब तक मैं बाकी सब लोगों से बात तो करूं, पीछे का पर्दा भगवा कीजिए पहले आप, ठीक है। एके मिश्रा जी एक बात ये बताइए, राम मनोहर लोहिया ने एक जमाने में कहा था कि जिंदा कौमें कभी 5 साल इंतजार नहीं किया करती हैं, और जब बात भगवा की आएगी तो उत्तर प्रदेश की जो जिंदा कौम है क्या 5 साल इंतजार करेगी? राशिद देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने जो पहला सवाल ये ओपनिंग क्वेश्चन आपने पूछा था, यहाँ पे देखिए राजनीति को और रंग को, रंग का मतलब है आप भारतीय राजनीति को इतिहास से आप देख लीजिए, धर्म से, जाति से, पाति से आप अलग नहीं कर पाते हैं। राजपूत साहब जी के साथ मैं सर आपको पहले सॉरी बोलूंगा, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली है जो मुझे पसंद आई है, विकास अलग चीज है, धर्म राजनीति भगवाकरण अलग चीज है, इसमें क्या सही है मैं बताता हूँ। राजपूत साहब ने यह बोला, मैं उसको कांग्रेस का स्टेटमेंट मानता हूँ, कि धर्म हमारा एक निजी मैटर है। मैं बहुत सम्मान के साथ बोलता हूँ कि काश सारे पॉलिटिकल नेता और पार्टियां इस चीज को माने, लेकिन धर्म आपका निजी विषय है, कर्नाटक इलेक्शन में यह सामाजिक विषय बन गया और कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि लिंगायत को हम जो है एक विशेष मान्यता देंगे अगर हम सरकार बना के आते हैं, तो वहां पे धर्म आपका क्यों चुनावी मुद्दा और जो है सामाजिक विषय बन गया? ये जो दोगलापन है आइडियोलॉजी का, फिर भी निजी विषय था, एक मिनट सर, सामाजिक रूप से आपको बीच में बोला ही है सर, मैंने आपको बीच में बोला, प्लीज आप बड़े भी हैं राजनीति में भी सुन लीजिए सर। अरे मिश्रा जी, मिश्रा जी थोड़ा जवाब भी धैर्य रख के जवाब सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना सर, मैंने आपको को लेकर के सर, मैंने आपके लॉजिक को आधे घंटे सुना सर, आप और ये सरकारी विषय था, नहीं नहीं मैंने आपके लॉजिक को आधे घंटे सुना सर, हाथ जोड़ के प्रार्थना है 10 मिनट सुन लीजिए सर, 10 मिनट नहीं 5 मिनट सुन लीजिए, 5 मिनट में ही खत्म कर दूंगा, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। टीवी, हाँ टीवी की अपनी सीमा होती है, लोग हैं हम जनता है, आप भी दृष्टि रखिए, आप तो मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ इंडियन पॉलिटिक्स में आप राजनीति से अगर धर्म जाति पात निकाल दीजिए, उत्तर प्रदेश की विकास के मामले में दुर्दशा यही सबसे ज्यादा रही। देखिए भगवा एक बहुत आदरणीय रंग है, उसके लिए मैं बाद में बोलूंगा उसका क्या इम्पैक्ट है, लेकिन मायावती जी की जब सरकार आती है बसपा की, तो 5 साल केवल नीला नीला करने में चला जाता है। अच्छा। और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की आती है तो गांव के प्राइमरी स्कूल भी लाल रंग से रंग जाते हैं, टोपियां भी लाल हो जाती हैं, हर चीज हो जाती है। जरा उन लोगों से भी पूछिए ना कि यूपी क्यों पीछे रह गया, उनका एक रंग हरा भी है वैसे। नहीं, लाल और हरा, ये दोनों लाल और हरा अपने अपने रंग में। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, देश की दुर्दशा ये है कि चुनाव जीतने के लिए ही पॉलिटिक्स कर रही हैं, और सबसे पहला मुद्दा है उनका चुनाव जीतना, चुनाव जीत के जब सत्ता में रहेंगे तभी उनका अस्तित्व रहेगा, इसके लिए वो हर रंग का, हर चीज का वो प्रयोग करते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे जाति पात के आधार पर हो, चाहे कुछ भी हो। अब रही बात भगवा रंग की जो आप बात कर रहे हैं, तो देखिए भगवा रंग को आप हिंदुस्तान के इतिहास से और मतलब मन से आप अलग नहीं कर सकते हैं। मैं बोलता हूं कि जब प्रथम जो है आजादी की क्रांति हुई थी तो कमल का फूल था, उसका भी रंग कहीं कहीं भगवा, हमारा जब झंडा बना था तो आप जाके हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से और बाबा साहब अंबेडकर से पूछिए ना कि झंडे में पहला रंग भगवा क्यों है। मैं नॉक करूं बीच में, मैं नॉक करूं, हाँ अब रुक जाइए आप सभी लोग।
मेरे साथ में एक और नेता समाजवादी पार्टी के मुजफ्फर खान भी जुड़ चुके हैं। मुजफ्फर खान जी, एक रंग है भगवा, आप टोपी पहनते हैं लाल, पहले एक बार मुझे टीवी पर दिखाया जाए कि आपने आज लाल टोपी पहनी या फिर नहीं पहनी हुई है। मुजफ्फर खान जी को दिखाइए मुझे एक बार टीवी पर, मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि उनकी लाल टोपी है या फिर नहीं है। जैसे ही मुजफ्फर खान जुड़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनकी लाल टोपी आखिरकार उसके सियासी मायने क्या हैं। मुजफ्फर खान, हाँ दिख गए मुजफ्फर खान, लाल टोपी है। मुजफ्फर खान जी मुझे ये बताया, अभी सब छोड़ दीजिए, भगवा, हरा, नीला, पीला, इस लाल टोपी का मतलब क्या है जो आपके सर पर है? देखिए हाशमी साहब, ये जो लाल टोपी है ये समाजवादियों का ताज है सर का। अच्छा, ये ताज है, जहाँ जहाँ तक ये ताज है और भगवा आपके लिए खाज है। क्यों क्यों है, क्यों ये है, ताज है और भगवा आपके लिए खाज है? ना ना ना, अरे आपके लाल से उन्हें दिक्कत ना हो, उनके भगवा से आप ना दिक्कत करें। से हमें कोई परेशानी नहीं, मिल लीजिए ना, ईद का दिन है, मिल लीजिए, गले मिल लीजिए, भगवा और लाल गले मिल जाए। वो एक मजहबी रंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उस मजहबी रंग के साथ सियासत करते हैं। समाजवादी पार्टी का जो लाल रंग है वो हमारे स्वर्गीय नेता राजनारायण जी ने अपने सर पे एक लाल कपड़ा बांधा था, वो लाल कपड़ा आज हमने उसको टोपी का रंग दे दिया है। जब देश के अंदर एक तानाशाह सरकार थी और वो किसी की नहीं सुनती थी, तो इसलिए उन्होंने ये रंग बांध करके एक आंदोलन शुरू किया। तो ये आंदोलन का कलर है, ये मजहबी कलर नहीं है समाजवादी पार्टी का। जो भी एक साथी बोल रहे थे कि जब समाजवादी की सरकार आती है तो लाल रंग कर दिया जाता है, तो ऐसा ऐसा कहीं नहीं रहा। पहली बात तो ये कि ये मजहबी कलर नहीं है, इसको उस चश्मे से ना देखें, ये पार्टी का अपना कलर है। नहीं तो भगवान को मजहब से क्यों देखते हैं सर? अगर अगर आपकी टोपी जो है मजहब के साथ ना देखे जाए तो फिर भगवान को क्यों धर्म के साथ में देखना? देखिए तकलीफ की बात इसलिए है कि जब भगवा चोला पहन के लोग देश के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर मजलूम, मासूम और बेकसूर लोगों पे हमला करते हैं, लेकिन आप जब वो भगवा चोला पहन के हमारी जो बच्चियां, उनको एक आजादी है, जो बच्चियां हमारी पार्क में बैठी होती हैं वो भगवा कलर पहन के जब उनपे हमला करते हैं, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने नहीं सिखाया, ये हिंदू धर्म ने नहीं सिखाया कि आप इस रंग को पहन करके लोगों पे हमला करें और उनकी हत्या करें। तो ये लोग तो सुनील जी अपनी बात कहिए, उसके बाद मुझे आप देना पड़ेगा। ये लोग जो भगवा रंग है मुझे बस ये बता दीजिए, मुझे बस ये बता दीजिए, बताना चाहता हूँ कहीं ये भगवादारी लोग दलितों पे हमला करने से कहना चाहता हूँ केवल जहाँ मौका मिलता है। जो ये समाजवादी पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के लोगों को तो उत्तर प्रदेश में शर्म आनी चाहिए, इनको होना चाहिए। इन्होंने जो बंगला खाली करने में जिस प्रकार से इन्होंने अपनी खेत उतारी है, आप ध्यान करिए, उसके तरफ मैं ध्यान करना चाहता हूँ। राजीव जी आपका ये आरएसएस पर भारतीय जनता पार्टी में बोल रहे आरएसएस, तो ये दूसरी बीजेपी जितनी तोड़फोड़ कर रही है प्रदेश में, देश में जितनी तोड़फोड़ कर रही है, जितनी तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है, आपको अंदाजा नहीं है? भगवा के कारण से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो बहने बिचारी कभी जीवन में सोचा नहीं था, 6 करोड़ परिवार को गैस कनेक्शन हमने दे दिया, ये विकास की बात करने की जानते हैं क्या? विकास भारतीय जनता पार्टी जानती है, भगवा जानती है, भगवा करने वाले लोग विकास करना जानते हैं। 6 करोड़ परिवारों को हमने और सब लोग बेरोजगारी की बात कर रहे थे। सियासत में रंग जरा सा पीछे भी जा करके एक बार तलाश लेते हैं। अध्यक्ष एक बात बताइएगा, क्या जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, इन सब लोगों के वक्त में भी सियासत का कोई रंग हुआ करता था? नहीं देखिए, सियासत का जो भी पार्टी है उसका एक झंडा होता है, उसका एक कलर होता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, वो आप उसको लेके आइए। लेकिन ये तो ये भगवा जो है वो हमारी महान सभ्यता का प्रतीक है, उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके अधिकारी उत्तर प्रदेश में विकृतीकरण कर रहे हैं। ये परवर्जन परवर्जन ऑफ परवर्जन ऑफ कलर है, ये कलर का उपयोग हो रहा है। तो एक महान सभ्यता के रंग का इस प्रकार से विकृतीकरण करना, उसको आम लोगों एक सेकंड, जैसे इन्होंने कहा मिश्रा जी ने, अब जो जो समाजवादी पार्टी ने गलती किया, जो मायावती ने अगर अगर ब्लू करके गलती किया, तो आने वाली पार्टी वही गलती करे, उसके लिए इनको जन समर्थन नहीं मिला था,
उन पार्टियों के विरोध में मिला था कि उन पार्टियों ने जो किया वो काम आपको नहीं करना है। और ये पुल को, टोल को, स्कूलों को भगवाकरण करने के लिए कोई समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कुछ यहाँ कहा है कि भगवा का कलर है, क्या उसके राष्ट्रीय नेता इसका समर्थन करते हैं? मेरी बात उनके राष्ट्रीय नेताओं से भी होती है, प्रदेश के नेताओं से भी होती है। भराला जी जो बात कर रहे हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार को कोई जिस प्रकार से भगवाकरण तो नहीं हो रहा है, भगवा रंगीकरण हो रहा है। भगवा की परिभाषा मत सिखाइए हमको। अरे भगवा की परिभाषा से मत बोलिए, आप तो सफेद कुर्ता पहने हुए भगवा है भी नहीं, आपका पर्दा भी भगवा नहीं है, आपके चेहरे पर भगवा नहीं है, आपकी भाषा में भगवा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं के कपड़े से आप करोगे कल्पना? अरे अंदर अंतरात्मा में होना चाहिए, कपड़ों से नहीं होता। अंतरात्मा में रखिए ना, टोल क्यों रंग रहे हैं? आइए भगवा का आप सो शौचालय क्यों रंग रहे हैं? आप मूर्तियां क्यों रंग रहे हैं? तुम्हें परेशानी क्या है? क्यों रंग रहे हैं? उसको अंदर में समस्या क्या आ रही है इसकी? उसको अंदर में रखिए, बाहर क्यों रंग रहे हैं? तुम्हारी समस्या क्या है भगवा से? आप अपनी कारण बताइए, अपना समस्या बताइए आप। कोई समस्या नहीं है, हमारी समस्या निजी छोड़ दीजिए, मेरी समस्या है। फिर नहीं नहीं तो क्यों ज्ञान दे रहे हो इस बात पर? भगवा पर क्यों ज्ञान दे रहे हो? नहीं भगवा पर बहस है तो ज्ञान क्या क्या भगवा नहीं, तो भगवा का कोरिलेशन आप लोग कभी आतंकवाद से जोड़ देंगे, कभी विकास से जोड़ देंगे? भगवा का बार बार कोरिलेशन आप लोग क्यों कर रहे हैं? सारी पॉलिटिकल पार्टियों से पूछता हूं, क्यों भगवा को कोरिलेट कर रहे हैं कि कभी आतंकवाद से है, कभी किसी से रिलेटेड है? भगवा एक पवित्र रंग है, उसको इस प्रकार से दुरुपयोग करना, उसका समर्थन करना भगवा का अपमान है। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अपमान है। आपको आज, ये समझ में आना चाहिए जो आप समर्थन कर रहे हैं। जब हमारा झंडा बना था, हम झंडा अपना भगवा से लेकर के आए थे। नहीं तो आपके झंडा में भगवा और हरा दोनों है। 1925 में आ गया था। नहीं तो झंडा बना था ना, वो झंडा थोड़ा था कि उसी कलर से पूरा देश को रंग दीजिए, ऐसा थोड़ा था। नहीं, सवाल ये है, झंडे में पहली प्राथमिकता भगवा को क्यों दी गई सबसे ऊपर? ये पूछा जाए ना संविधान निर्माताओं से और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री से, जिन लोगों ने आज तक विरोध नहीं किया, वो देख करके हैरान हो गए कि उनके उनकी पीढ़ियां आज के नेता भगवान का विरोध कर रहे हैं। इतना विकास किया है, जा करके देखिएगा आप, ले लीजिए ना, किसान विकास केंद्र, किसानों की बात कर रहे हैं आप, किसान विकास स्कूल खोलिया आप, ले लीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अब एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, आप सब लोग बोल चुके हैं, एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए सुनील जी, विकास नहीं हो रहा है वो दूसरी चीज है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, ठीक है, रुकिए, ठीक है, रुकिए, मिश्रा जी एक मिनट रुकिए, मिश्रा जी एक मिनट रुक जाइए, सरकार के अंदर मिश्रा जी एक मिनट रुक जाइए, मिश्रा जी एक मिनट रुक जाइए, सुनील भरवाला जी मेरे आपको सवाल का जवाब दीजिएगा, सुनील जी मेरे को सवाल का जवाब दीजिएगा, आप कहां से आते हैं जी? आप कहां से आते हैं? उत्तर प्रदेश, मेरठ है मेरा, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मेरठ है। मेरठ है, और मेरठ में भी क्या किसी? उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं। अच्छा, मेरठ से आते हैं आप। मेरठ में आपने, बिल्कुल सीधा जवाब दीजिएगा, मेरठ में आपने भगवाकरण करके क्या बदल दिया? मैं मेरठ से शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद आगे तक जाऊंगा। एक एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने, एक मिनट जाटव जी, एक मिनट रुकिए आप, क्या आपने मेरठ के अस्पताल बदल दिए, स्कूल बदल दिए, शिक्षा व्यवस्था बदल दी, क्या आपने कानून बदल दिया? मेरठ में आपने क्या बदला भगवा से, क्या बदल दिया आपने भगवा से? क्या मेरठ की जनता से आपने पूछा कि उन्हें भगवा चाहिए या उन्हें विकास चाहिए? क्या मेरठ की जनता से आपने, सर एक मिनट रुक जाइए, सर देखिए, सर रुकिए, सर रुकिए, सर रुकिए, हाँ बोलिए, सुनिए, मैं भी चूंकि एक किसान परिवार से आता हूँ, इसलिए मैं मेरठ से निकल करके बुंदेलखंड तक जाऊंगा। बुंदेलखंड गए कभी?
बुंदेलखंड गए कभी सर आप? बुंदेलखंड एक बार नहीं गए, अरे दर्जनों बार गए हैं भाई, बताइए ना उत्तर प्रदेश आप जाइए, बदायूं मेरी पूरी बदायूं नहीं माफ कीजिएगा, आप जाइए जालौन पूरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश ने देश पूछिए पूरा। हाँ नहीं नहीं सुनिए 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 सुनिए, नहीं नहीं प्रदेश पहले पूछूंगा, मेरे लिए प्रदेश, मेरे लिए प्रदेश बड़ा खास है, 22 करोड़ जनता बड़ी खास है, जा चुके हम उड़ाई जा चुके हैं, आपको प्रदेश से देश दिख रहा होगा, आपको प्रदेश से देश दिख रहा होगा, मुझे पहले प्रदेश दिखता है, सहारनपुर वगैरह सब। जाटव जी रुकिए, जाटव जी आप भी रुकिए, क्योंकि आप भी नीले नीले रंग वाले हैं, रुक जाइए आप, रुकिए आप, ठीक है, रंग तो आपका भी चढ़ा हुआ है, रुकिए आपके पास भी आता हूँ, रुकिए। बराला जी कभी बुंदेलखंड चले जाइए, और जाइएगा जरूर, जैसे मैं बता रहा हूँ जरूर जाइएगा सर, नहीं जाएंगे तो मैं आपके पास रिपोर्ट भेजूंगा। मैं राशिद भाई आपको बताना चाहता हूँ, अब सुन तो लीजिए सर, बुंदेलखंड सर सुनिए, सर सुनिए सर, सैकड़ों बार सर सुनिए, बुंदेलखंड सर सुनना पड़ेगा आपको, सुनिए आप वहां जाइए, वहां जाकर के आप देखिएगा, वहां की जो पथरीली जमीन है जो बंजर हो गई है ना, वहां पर घास की रोटी खाते हैं किसान, वो रोटी जो होती है ना वो भगवा रंग की नहीं होती सर, वहां पर जो पानी के लिए जो भूख है ना उसका रंग भगवा नहीं है सर। आप मेरठ से आते हैं, मेरठ में मैं हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट आपको भेजूंगा, वहां पर जो मौत होती है ना उसका रंग भगवा नहीं है सर, और हाँ आप लोग भी उसका लाल भी नहीं है, और सर जाटव जी वो नीला भी नहीं है, और मुजफ्फर खान साहब लाल भी नहीं है, उसका सिर्फ एक रंग है, और एक रंग है जिंदगी का, वो रंग क्यों नहीं दिखता आपको सुनील भराला जी, आपको वो रंग क्यों नहीं दिखता? घर में सदस्य कितने हैं सुनील भराला जी, मैं व्यक्तिगत नहीं होऊंगा, आपके घर के मेंबर्स कितने हैं बताइए, सुनेंगे राशिद भाई देंगे मुझे सुनील भराला जी, आपको वक्त दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ मैं उसी सवाल घर के मेंबर्स कितने हैं आपके, बोले हैं आपके घर के मेंबर्स कितने हैं, आप शांत तो होइए, घर के सदस्य कितने हैं, शांता तो मैं देख रहा था, पहले मैं जवाब दे रहा हूँ, हाँ हाँ आपके घर के मेंबर्स कितने हैं, सदस्य कितने हैं आपके घर में, दे रहा हूँ आपको, आपके घर में सदस्य कितने हैं? अरे राशिद भाई आप शांत होइए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, आप शांत होंगे नहीं होंगे आप जानते हैं सर, सर जानते हैं दे रहा हूँ आपको, अगर आपके घर में आपकी आने वाली जो नस्लें होंगी, मेरी दुआ है कि वो सब अच्छे रहें, बेहतर रहें, सेहतमंद रहें, अच्छी शिक्षा पाएं, लेकिन आज की तारीख में अगर वो सुन रहे होंगे ना सर कि हमारे अपने हमारे बुजुर्ग भगवा को विकास से भी ऊपर रख रहे हैं, हमारे अपने भविष्य से भी ऊपर रख रहे हैं, तो शायद यकीन जानिए उन्हें शर्मिंदगी हो रही होगी। भराला जी, भराला जी मैं सच बता रहा हूँ, फोन कीजिए आप अपने घर पर, अगर वो डिबेट देख रहे हैं हमारी तो फोन कीजिए आप उसका तर्क मत दीजिए, हमें तर्क मत दीजिए, मैं राशिद भाई आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप जो भगवान विकास की बात कर रहे हैं, विकास भगवाधारी जिनको ये कहते हैं, जो विरोधी दल के बैठे हुए कहते हैं लोग ये कि ये भगवाधारी हैं, भगवाधारी इस देश का विकास कर रहे हैं इस समय हिंदुस्तान के अंदर, अगर पिछले आप 60 वर्षों का कल्पना करिए, आज जो 4 साल में विकास हुआ है, और उत्तर प्रदेश में 14 महीने की सरकार पूरी नहीं हुई है अभी, जो काम चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, ये भगवाधारी कर रहे हैं, 40% बढ़ते क्या आप किसानों की आत्महत्या की दया 42% बढ़ती क्या, आपको 10 करोड़ रोजगार दे चुके होते आप लोग, पेट्रोल के दाम 85 रुपए हो गए होते क्या, आप इस बार आप पहले सुन रहे क्यों ना बोले भाई, आप हमें बताइए उत्तर से लेके दक्षिण तक आपने कर दिया, आपने सुनिए बात, आप सुनिए आपको सुना है, खत्म कर दिया आपने, गोरखपुर गए कभी भराला जी, भराला जी की क्षमता होनी चाहिए पहले, मरी मरी गायों को मारने के लिए आप जिंदा दलितों की खाल उखाड़ते हैं, जहां विकास की बात है भगवाधारी विकास कर रहे हैं, किसानों के बेटे हो आप, भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश में मिलाता है, ये पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त उत्तर प्रदेश था, कितना झूठ बोलोगे भाजपा के लिए काम, और विकास के पहिए पे जाके देखो आज कितना झूठ बोलोगे, काम चल रहा है 22 किलोमीटर प्रतिदिन एवरेज है, 22 किलोमीटर से भी ऊपर एवरेज आ रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप नौकरी, अरे नौकरी कौन से विकास की आपने विनाश किया है, अगर हिम्मत हो तो लेकर के देखो ना, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जन औषधि केंद्र, ऐसे रोजगार सृजन दिए भारतीय जनता पार्टी ने, आपने किसान विकास केंद्र स्थापित कर रही है भारतीय जनता पार्टी हर तहसील स्तर पर, आप देखने लिखा जाएगा उसको, आज नौकरी देने का काम करेंगे भविष्य में, ये देखिए आप जाकर के एमबीए करने के बाद गन्ने के किसानों का पेमेंट
किसानों को पेमेंट करेंगे अभी 8,000 करोड़ रूपए दिया है हमने, आप विकास विकास कर रहे हो, ये सब भगवाधारी कर रहे हैं। और सड़क विकास लेकर के आज सीमाओं को देखिए, आज क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। जयराम जाटव के पास मैं नहीं गया हूँ अभी तक, एक मिनट रुकिए, जयराम जाटव के पास नहीं गया अभी तक। हाँ रुक जाइए सुरेंद्र भाई थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे, हम 9:30 बजे तक साथ में हैं। जयराम जाटव मुझे ये बताइए, मुझे मैं तो चुपचाप हाँ। बैठा रहता हूँ, भराला जी भगवा भगवा कर रहे थे। हाँ आप चुपचाप ही बैठते हैं, आप चुपचाप ही बैठते हैं, एक आप चुप रहते हैं, मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी कह रहे हैं भगवा, एक आप चुपचाप बैठते हैं और एक भराला जी चुपचाप जाकर के उन बूढ़ी माओ को गैस के सिलेंडर दे दिए। आपने सोचा कभी इस बारे में? सुनिए एक बार, नहीं सोचा? अरे सुनिए मेरी बात, 6 करोड़ परिवारों को मिले और जो लोग बैंक के खातों से तरस गए थे उनके हमने 0 पॉइंट पर बैंक खाते खुलवाए। ठीक है, भगवाधारी मुझे बार बार आकर के नॉक करना पड़ता है कि मैं भी हूँ। एक मिनट रुकिए ना। अच्छा जयराम जाटा एक बात ही बताइएगा, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्हें आप लोगों ने नीला रंग दिया, संविधान के निर्माता और मुल्क की एक ऐसी शख्सियत जो एक लेजेंड हैं और हमेशा ही हमारे दिलों में रहते हैं, ठीक है, उन्हें आपने रंग दिया नीला, इन्होंने रंग दिया भगवा, आपको भगवा से दिक्कत क्या है? अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवा रंग में उनका कोट पहना दिया जाता, आपको दिक्कत क्या है? देखिए ऐसा है दोस्तों कि इस देश में 7 धर्मों को माना जाता है, 6,000 जातियां हैं, 122 भाषाएं हैं, सबकी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग सबके तीज त्योहार सब अलग अलग मनाए जाते हैं, अपने अपने तरीके से वो करते हैं। इस देश की विशेषता है अनेकता में एकता, और इस देश की जो विशेषता है वो अनेकता में एकता है। कोई जबरदस्ती अपनी भाषा को हमारे ऊपर थोपने लग जाए कि नहीं आपको हमारे जैसा हम खाएंगे वैसा ही खाना पड़ेगा, जो हम पहनेंगे वही पहनना पड़ेगा, जैसा हम बोलेंगे वैसे ही बोलना पड़ेगा, हमें अगर हम इस तरह की भाषाओं का उपयोग होता है, इस तरह की जबरदस्ती थोपने का वो किया जाता है, तो हम इसका विरोध करते हैं। हमें उनके किसी भगवा रंग से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस देश में 6,000 जातियाँ हैं और 122 भाषा बोलते हैं लोग, तो सबको एक जैसे उसमें जिसकी जैसी संस्कृति है उसको वैसा पनपने दो। आप जबरदस्ती उस पर एकदम थोपने का काम कर रहे हैं कि नहीं जैसा हम पहनेंगे वैसा ही तुम पहनोगे, ये है भगवा, और भगवा को हम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, देश में शांति व्यवस्था बनाने वाले व्यक्ति हैं। भगवान बुद्ध तो खुद भगवा पहनते थे, किसने कहा भगवा पहनने के लिए? नहीं, भगवान बुद्ध तो खुद भगवा पहनते थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पेटेंट आपने करा लिया है क्या कि कोई उनको और नहीं मानेगा? मैं बोलता हूँ, मैं भी मानता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर, लाल रंग से रंगूंगा, भगवान ने पेटेंट करा लिया है क्या? सर इस पे सबका अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बस नीले रंग से होगी जी, क्योंकि नीला रंग आपकी पार्टी का प्रतीक है जो 30 साल पहले आई है, तो आप मुझे बताइए ना, हैव यू मेड ए पेटेंट आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? इनको विवश कर रहा है, इनको विवश मैं उनको दूसरी तरीके से मानता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर को। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट रुक जाइए संस्कृति में रहेंगे, कोई भगवा करण हमें नहीं चेंज कर सकता, भगवा की सरकार हमें बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती। एक बात हो जाएगा, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ अवधेश जी के जरिए। हाँ सुनील जी जल्दी बोलिए, मुझे अवधेश जी के पास भी जाना है, जल्दी बोलिए। राशिद जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्हें जाटव जी को किसने विवश किया भगवा पहनने के लिए? नहीं हम तो नहीं पहनेंगे, इनसे हम तो नहीं पहनेंगे, पूछिए इनसे। आप उससे जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे हैं, किसने विवश किया इन्हें? जगह जगह उस पर अच्छा, सुनील जी जयराम जाटव एक मिनट, जयराम जाटव एक मिनट रुकिए,
सुनील जी, अगर जयराम जाटव आ करके आपको नीला कपड़ा पहनाएंगे, पहन लेंगे आप? नहीं, कोई जबरदस्ती कोई करता है कि किसी के साथ? कोई नहीं करता। नहीं नहीं, प्यार से। पूर्वांचल में बाबू साहब की प्रतिमा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, रुक जाइए। अरे सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, जयराम जाटव, एक मिनट रुकिए ना। जयराम जाटव, अगर आपको जयराम जाटव प्यार से जाकर के अगर नीले रंग का कपड़ा गिफ्ट करते हैं तो पहनेंगे आप? देखिए बात ये राशिद जी, अगर वो मुझे प्यार से गिफ्ट करते हैं मैं उसका गिफ्ट लूंगा, प्यार से लूंगा। पहनेंगे या नहीं? पहनना ना पहनना वो मेरा विषय, मेरा विषय, निजी विषय है ये। नहीं, क्यों पहनेंगे? ये पहनना नीला रंग पसंद नहीं है क्या? नीला रंग सूट नहीं करता? नीला रंग सूट आपकी सियासत को सूट नहीं करता क्या? नहीं, मुझे पसंद नीला रंग आपकी सियासत को सूट नहीं करता क्या सर? करता, मेरी विचारधारा को नहीं करता, मेरी आस्था को नहीं करता। मतलब आपका, आपकी विचारधारा जो है वो रंग से ही जुड़ी हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपकी विचारधारा जो है, विचारधारा जो आपकी है वो रंग से ही जुड़ी हुई है सर। मैंने आपके सरमान नेता नरेंद्र मोदी के शरीर पर नीले रंग के कपड़े देखे हैं, देश ने देखा है, नीला रंग का बंडी पहनते हुए देखा है। आप पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कहां से स्पेशल अवतार आ गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, रुक जाइए। अच्छा एके मिश्रा जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। भाई भगवा की तो आस्था का मतलब है, ये कपड़े से मतलब ही नहीं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो कि, हिंदुस्तान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी की कुछ पर्सनालिटीज और कुछ रंग पेटेंट क्यों हैं? मसलन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो बीएसपी के पेटेंट, और नीला रंग उनका पेटेंट। ठीक है, एक मिनट सुनते जाइए, एक मिनट सुनते जाइए, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। भराला जी का पेटेंट जो है वो भगवा रंग है। राम मनोहर लोहिया और जेपी और लाल रंग जो है वो मुजफ्फर खान का पेटेंट है। महात्मा गांधी जो है वो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पेटेंट है। ये पेटेंट जो है ये जुड़ा कैसे है राशिद? देखिए, मैं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने पूछा था, रंग, राजनीति का क्या रंग है, रंग के कितने इंटरेस्टिंग आंसर और प्रिडिक्शंस और एनालिसिस आ रही है अभी, आप ये देख रहे हैं और आपको, हम लोगों को आंसर मिल रहा है कि राजनीति और रंग का क्या रिलेशन है। सवाल यह है, देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी पेटेंट नहीं कराया, उन्होंने कभी नहीं बोला कि केवल एक अमुक तबका मुझे माने। सेम चीज यही है, देखिए भगवा भी, भगवा ने या भगवा को जिन लोगों ने बनाया, आप ये देखिए रामचंद्र जी हो गए या कोई और, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि जी केवल एक लोग भगवा को माने और कोई लोग भगवा को टच नहीं कर सकते, पान नहीं कर सकते। ये है रंगों का राजनीतिकरण, धर्म का राजनीतिकरण। मैंने आपको अभी एक लेटेस्ट उदाहरण दिया था कि धर्म एक निजी विषय हो सकता है टीवी पे बोलने के लिए। कर्नाटक के इलेक्शन में लिंगायत समाज को तुरंत बोल दिया गया कि अगर हम जीते तो हम आपको स्पेसिफिक दर्जा एक ये दे देंगे। वहां पे धर्म, चुनावों में धर्म एक चुनावी मुद्दा बन जाता है, एक सामाजिक समस्या बन जाती है, जिसको ये पॉलिटिकल पार्टियां बोलती है कि इसको दूर करना बहुत जरूरी है। ये उनका एक पॉलिटिकल मिशन बन जाता है, क्योंकि अल्टीमेट गोल इनका ये है, विकास हो या ना हो, लेकिन जो जिस रंग को, जो जिस रंग में अपने पार्टी को रंग सकता है, टाइम टू टाइम वो रंगता रहता है। और दूसरी सबसे खास चीज है, अब देखिए भगवान श्री राम हो गए, हो सकता है शायद उनका पेटेंट केवल बीजेपी वालों ने करा लिया, बाबा साहब अंबेडकर वालों ने, ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका पेटेंट केवल जो है बसपा वालों ने करवा लिया और कोई उनको मान नहीं सकता है। ये इस तरीके से पेटेंट की मानसिकता यहाँ पे चल रही है। विकास का पेटेंट या किसी और चीज का पेटेंट आप देखेंगे तो किसी और पार्टी ने करवा लिया। तो ये एक जो कोरिलेशन, अच्छे चीज के लिए कोरिलेशन डेवलप करिए तो माना जाए, लेकिन जब आप कोरिलेशन कलर को और इन सब चीजों को डेवलप करते हैं और उसको एक सेपरेटिव लेवल तक ले जाते हैं और उसमें हिंसा आ जाती है कि जरा सा किसी ने कुछ उसके ऊपर बोल दिया तो मार पिटाई शुरू हो जाती है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और ये इनके प्रकारण वाली बाई हुक और बाई क्रुक जो राजनीति आजकल चली है कि कैसे भी करके हमें सरकार बनानी है, उसके लिए इन सब चीजों का यूज कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, एक और आपका प्रश्न था नेताओं के नाम को लेके। देखिए ऐसा है
कि अगर राज नारायण को देखेंगे तो आप जरा पता करिए कि राज नारायण जी के परिवार का कौन सा व्यक्ति आज राजनीति में है, और राज नारायण को हमने उनको देखा है उनके घर में देश भर से आकर के संघर्ष करने वाले लोग पड़े रहते थे समाजवादियों को, मैंने वो देखा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके परिवार का कौन सदस्य आज राजनीति में है? तो जो पार्टी अपने अपनी पूरी पार्टी का परिवारीकरण कर चुकी हो वो राम मनोहर लोहिया और राज नारायण का कैसे नाम ले सकती है? और बसपा बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान पुरुष के जो पैर में वो पहनते थे वो भी नहीं हो सकती है बसपा, क्या बात कर रहे हैं? ये करेंगे और महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी का तो को तो इस समय दुनिया मानती है, और मैं निजी रूप से बता रहा हूँ कि मेरे पर किसी एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा तो महात्मा गांधी का। गांधी का नाम तो आज सब लेते हैं लेकिन गांधी को सभी ने अस्वीकार कर दिया, गांधी को स्वीकार करने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए अभी आज देश की हालत है कि राजनेताओं ने अपना रंगीकरण कर लिया है राजनीति के मायने में। अगर वो राम मनोहर लोहिया के से होते, अगर वो चौधरी चरण सिंह के साथ होते, कांग्रेस अगर आज महात्मा गांधी के साथ होती, भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय के साथ होती, तो राजनीति का चरित्र ही दूसरा होता। एक सवाल मैं आप लोगों से और पूछना चाहता हूं, क्या बाबा साहब अंबेडकर हमेशा नीला कोट पहनते थे? राम मनोहर लोहिया जी क्या हमेशा लाल रंग का ही कपड़ा पहनते थे? ऐसी कोई चीज थी क्या? भगवा का तो मैं फिर भी मान सकता हूँ कि हजारों साल से इंडिया में जितने भी साइंटिस्ट उस टाइम के ऋषि मुनि रहे हैं सब लोग भगवा पहनते थे, लेकिन इतना जबरदस्त आप ये सब चीजें जो यूज करते हैं केवल वोट पाने के लिए और ध्यान जो है अच्छा, मुद्दों से भटकाने के लिए, इसके पीछे राजन क्या है? एक मिनट रुक जाइए सुनील भराला जी, मेरे ख्याल से रामायण का ज्ञान मुझसे कहीं ज्यादा तो आपको होगा, हाँ या ना? भराला जी, रामायण का ज्ञान मुझसे ज्यादा तो आपको होगा ही। जी जी बोलो, बोलो। अच्छा ये बता दीजिए, क्योंकि आप लोग जो है भगवा धारण करने के बाद बहुत क्रोध में आ जाते हैं, इसलिए मेरा बस एक सवाल है, जवाब देंगे? देना ही पड़ेगा। पूरी रामायण में प्रभु श्री राम को कितनी बार क्रोध आता है, बस ये बता दीजिए? पूरी रामायण में प्रभु श्री राम को कितनी बार क्रोध आता है? देखिए आप इसका मतलब अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, भगवान श्री राम और सामान्य मनुष्य में आप अंतर नहीं समझ पा रहे इसका। नहीं नहीं, मैं बस एक भगवान थे, नहीं नहीं हम तो हमारी और आपकी प्रभु श्री राम के सामने तो कोई बिसात ही नहीं है, पुरुषोत्तम राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सामने मेरी और आपकी कोई बिसात नहीं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप मेरे सवाल का जवाब, सवाल सुनिए, प्रभु श्री राम कितनी बार क्रोधित हुए हैं रामायण में? प्रभु श्री राम रामायण में कितनी बार क्रोधित हुए हैं? किसको आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? बताता हूँ ना आपका, मैं आप सिर्फ ये जाना बताओ कि आप अच्छा मैं बोलता हूँ क्या कहना चाहते हैं, मैं बताता हूँ जानते हैं प्रभु श्री राम को क्रोध पूरी रामायण में सिर्फ एक बार आया है, तब जब समंदर उन्हें रास्ता नहीं दे रहा होता, और तभी एक बार उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आता है जब समंदर उन्हें रास्ता नहीं दे रहा होता। ठीक है, ये प्रश्न मेरा, मैं बताता हूँ, सुन तो लीजिए, भगवा जो है कभी क्रोध का रंग नहीं है, भगवा जो है वो अग्रेशन का रंग नहीं है, भगवा को किसी भी तरह से सियासत के साथ जोड़ना सही नहीं है। मतलब आपका अर्थ क्या है? अरे मैं राशिद भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्रोध का जो आपके सामने प्रश्न आया है, ये प्रश्न कहाँ से आ गया? आप लोग क्रोधित हो जाते हैं ना भगवा धारण करके, आप विकास की बात कर रहे हैं कौन? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे तो नहीं क्रोध करने वाले थे भगवान श्री परशुराम पे, वो क्रोधित होते नहीं करता है किसी पे, ये भगवा कलर भगवा कलर धारण करके ये लोग हमला करते हैं। हम अपने भगवानों पे जाएंगे तो वो अलग हिस्सा हो जाएगा। मेरा कहना राशिद भाई ये है, मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूँ केवल, जो आपके ये सवाल है जहाँ भगवा करण की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये भगवा करण करने वाले की जिन जो बता रहे हैं जिसको, ये विकास के लोग हैं, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सीख लेनी चाहिए कि गरीब आदमी। रुक जाइए, जयराम जाटा रुक जाइए, सुरेंद्र राजपूत, जयराम जाटा रुक जाइए, जयराम जाटा रुक जाइए, सुरेंद्र राजपूत और राजनीतिक दलों को मैं कहना चाहता हूँ राशिद भाई, मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सीख लेनी चाहिए कि विकास की
विकास कैसे होते हैं, रोजगार के सर्जन कैसे हो रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ कहना चाहते हैं, सुरेंद्र जी जो सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाहते हैं, सिगरेट से छाते सीने पड़ जाया करते थे। ठीक है ठीक है ठीक है बाबू जाइए, ठीक है बाबू जाइए। सुरेंद्र राजपूत बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहे हैं, सुरेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए, सुरेंद्र राजपूत बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहे हैं। सुरेंद्र जी, सुनील भराला का कहना यह है कि विकास को इन्होंने ही समझा, इन्होंने ही देखा, इन्होंने ही किया और इसके अलावा विकास किसी ने नहीं किया। आज़ादी के बाद देश में सबसे ज़्यादा राज करने वाले राजनेता आप, और ऐसे में क्या जवाब नहीं देना चाहेंगे? सच्चाई ये है कि अगर विकास इनको नहीं दिख रहा है 70 साल का, तो मेरे ख्याल से इनको क्या कहा जाए, नज़र का फ़र्क है या नज़रिए का फ़र्क है, तो ये जाने। इन्हें भाखड़ा नंगल डैम से लेकर के आज तक, चाहे वो परमाणु पोखरण पर परमाणु विस्फोट हो, चाहे एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान हो, प्रथम हरित क्रांति हो, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, सॉफ्टवेयर क्रांति हो, पंचायतीकरण हो, लेकर के सारी चीजें अगर इनको नहीं दिख रही है तो न दिखे, इनको हम क्या कह सकते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की क्रांति हो, भारत एक महाशक्ति के रूप में बना हो, आज की डेट में जो भारत पहले खाद्यान्न इम्पोर्ट करता था, आज की डेट में खाद्यान्न एक्सपोर्ट कर रहा है, और इस बात को लेकर के हमारे तमाम मतांतर रहते हैं अवधेश जी से, लेकिन विकास हुआ है या नहीं हुआ है अवधेश जी से भी पूछा जा सकता है। यहां पर अभी जो सबसे बड़ी बात है, सुनील भराला जी से हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुनील भराला जी को तो अपनी पार्टी का गाना है, लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं मिश्रा जी, इन्होंने बड़ी चतुराई से भगवा के नाम पर जिस तरीके से चारणगिरी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का रंग भगवा है क्या? हमने कहां भगवा का विरोध किया? भगवा हमारा धार्मिक रंग है, और उस धार्मिक रंग को लेकर के, हमारी आस्था को लेकर के आप क्यों चोट करना चाहते हैं? सच्चाई ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट भगवा का कराया है? हमने तो अरे अभी टाई लगा, अभी बाबा साहब की बात जो आप कर रहे थे, तो नीले रंग की शर्ट पहन करके और नीले रंग की टाई पहन करके आप बात कर रहे हो, तो क्या आप बाबा साहब हो गए हो? यही दर्शाता है कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करो रंगों को लेकर के। आपने जो, अरे भाई 2 मिनट चुप रहिए, बोलिए मैंने कहा ना मिस्टर मिश्रा 2 मिनट चुप रहिए, मैं किसी के बीच में अगर नहीं बोल रहा हूँ तो आपके बीच में नहीं बोला हूँ, धैर्य से सुनी है ना मैंने आपकी बात। अगर आपको चाटुकारिता करनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो स्वतंत्र हैं आप करिए, लेकिन इस तरीके से इस फोरम का इस्तेमाल मत करिए। मेरा यहां पर बड़ा निवेदन है आपसे कि आप विकास की राजनीति कराइए, आप लड़कों को भगवा क्या नाम शर्ट दे दीजिए, टी शर्ट दे दीजिए, लेकिन रोजगार के साथ दे दीजिए। आप किसानों को भगवा कलर के लिफाफे में रख करके उनका जो गन्ने का मूल्य है वो दे दीजिए। आप जाकर के बच्चों को दवाइयां, जो बच्चे गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, आप उनको भगवा रंग के सिलेंडर में रख के ऑक्सीजन दे दीजिए। आप एसी जो है भगवा लगा करके कानपुर में आईसीयू में लगा दीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, भगवा किसी की बपौती नहीं है, हम भगवा के विरोधी नहीं है, हम बहुत स्पष्ट बता दें। लेकिन जिस तरीके से सरकार का जो काम चल रहा है कि आप मूल मुद्दों से भटका दीजिए, आप मूल मुद्दों पर बात ही मत होने दीजिए। राशिद भाई भी बात करेंगे, राशिद भाई ने बात आज की डेट में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार, इसकी नहीं की, इन्होंने भगवा रंग की बात की। सच्चाई है तिरंगे को लेकर के किस तरीके की राजनीति मिस्टर मिश्रा कर रहे हैं, ये शर्मनाक राजनीति है। तिरंगे में भगवे से, सफेद से या हरे से क्या मतलब है? भारत की आन बान शान को लेकर के आप अगर इस तरीके के प्रश्न उठाएंगे मिश्रा जी, तो सोचिएगा इससे पहले कि हो सकता है आपको कोई सरकारी पोस्ट मिल जाए, लेकिन इस पोस्ट से आपको लाभ नहीं होगी, आपकी अंतरात्मा कचोटेगी। इटाई कोट पहन करके ऐसी रूप में बैठ करके किसानों की बात नहीं की जा सकती। आपत्ति नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। सुनिए आप सुनने आप सुनने का धैर्य रखिए, आप सुनने का धैर्य रखिए। खाली खाली इस तरीके से बातें करने से टेलीविजन चैनल पर कुछ नहीं होगा। आज की डेट में आप ठोस योजना दीजिए वर्तमान सरकार को। पिछले 4 साल में क्या वर्तमान सरकार 10 करोड़ रोजगार दे पाई? क्या क्या पेट्रोल और डीजल महंगाई की खात्मा कर पाई? क्या यूएन में परमानेंट सीट ले पाई? क्या कश्मीरी पंडितों को वापस कर पाई सरकार उनके घरों पर? क्या कश्मीर में पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दिया? हमारे जवानों के बदले जैश के क्या 100 सर उठा लाई सरकार?
इन बातों को आप सवाल नहीं करेंगे, आप सवाल करेंगे भगवा रंग। अरे भगवा का विरोध क्या आपसे ज्यादा, भगवा मेरा निजी विषय, धर्म है मेरा। मैं आपको बताता हूँ राजपूत साहब, जावेद अख्तर की आपने कविता सुनी है? नहीं सर, प्लीज कविता मत सुनाइए सर, प्लीज शेरो शायरी कविता मत सुनाइए। जिन्हें काम कर दिया, मैं शेरो शायरी नहीं सुनता हूँ, मुझे पता है कि आप शेरो शायरी नहीं पढ़े। जो पूरे प्रदेश में काम किया, चार चार स्कूल बनाए। मैं मुद्दों की और लॉजिक की बात करता हूँ, शेरो शायरी नहीं करते आप उसको घुमाइए मत। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको भगवान से दिक्कत नहीं है, लेकिन चार पाँच साल पहले आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा आपकी सरकार ने दिया, वही बात विकास की। तो राजपूत साहब, मैं इस चीज को मानता हूँ कि विकास सारी सरकारों ने किया है, आपकी सरकार ने भी विकास किया है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया है। और मैं ये चीज भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अपने विकास के मुद्दे पे बीजेपी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और ये मैंने बोला है, तो इसमें चाटुकारिता की क्या बात आ गई है? आपने लिंगायतों को सर, आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने डिक्लेयर किया है, तो क्यों ना बोलूं सर? आपको बुरा क्यों लगता है इसमें? मैं वही तो बता रहा हूँ, अभी भगवा आपका निजी विचार है, और वहाँ इलेक्शन के टाइम पे भगवा सामाजिक और धार्मिक मुद्दा आ जाता है, परमाणु, इसमें कौन सी चाटुकारिता की बात है सर? सारे हमारे लिए भगवा कोई धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो सर जाके पूछिए ना, क्यों उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं लिंगायत को एक स्पेसिफिक दर्जा दे दूंगा? बात कर रहे हैं कि आपको जानकारी है सर कि लिंगायत अब धार्मिक अल्पसंख्यक है? अरे सर हद हो गई, तो आपने चुनाव में क्यों मुद्दा बना दिया धर्म को? मिलेगा तो भगवा मानते हैं लिंगायत, आपने भगवा का सहारा क्यों ले लिया? अगर भगवा आपका राजनीतिक विचार नहीं है, तो क्यों आप भगवा का सहारा ले रहे हो? लिंगायत भी तो भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवा मानते हैं, सर पे उनके भगवान जो है सेफ्रॉन जो है पगड़ी होती है। भगवा का सहारा आप जैसे कमजोर लोग लेते हैं। सर भगवा कभी कमजोर नहीं हुआ है, जो कमजोर है अगर वो भगवान अपने माथे पे पहन लेते हैं तो मजबूत बन जाते हैं। आप भगवान को कमजोर से मत जोड़िए सर, शायद आप कमजोर इसीलिए हो क्योंकि आपकी पार्टी ने ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है, हिंदू सेफ्रॉन टेररिज्म टर्म कॉइन करके राम के ऊपर हमारी पार्टी ने क्या किया है? आपके देश की आस्था का विषय है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने क्या किया। ठीक है, हमारे पास आखिर के टीका लगवा रहे हो? ठीक है, हमारे पास आखिर के 3 मिनट बचे हुए हैं, सुनील भराला को सुन लेते हैं। मंदिर में धर्म आपने कराया है, पॉलिटिक्स वगैरह भी है, हमारे पास आखिर के 3 मिनट बचे हुए हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट जयराम जाटव रुकिए, आप ये सुनील भराला कुछ बोलना चाहते हैं? जितने प्रदेश में दंगा होते हैं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, कभी कोई दंगा प्रसाद नहीं होगा। राशिद भाई जी, ठीक है बोलिए। राशिद जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सुरेंद्र जी की बात पर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। जो ये इन्होंने जो 4 साल की सरकार का उल्लेख किया है, मैं वो बात कहना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि बताई, इन्होंने भगवा को निजी मामला बताया। मैं सुरेंद्र जी की इस बात से सहमत हूँ, बिल्कुल इसमें नो डाउट है, लेकिन मैं दो बातें इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगार गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्ती मलिन में रहने वाले परिवार थे, और कांग्रेस लंबे समय 60 साल 65 साल शासन किया इस हिंदुस्तान पर, तो मैं इनको ये कभी सूझ नहीं बना इनके प्रधानमंत्री को, इनके नेताओं को, कि उनके गरीबों के बैंकों में खाते खुल जाएं। हिंदुस्तान के 30 करोड़ परिवारों ने खाते खुले भारत के 4 साल की सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, और प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से 30 करोड़ परिवारों खाते खुले। मैं पूछना चाहता हूँ सुरेंद्र जी से, 21 लाख करोड़ का बजट, 30 करोड़ खाते हिंदुस्तान के अंदर भारत के, अब देखिए आप जिन परिवारों के सपने थे कि वो बैंक का खाता नहीं खुल सकता, आप विकास की बात कर रहे हो? बताइए राइट टू इंफॉर्मेशन क्या था, इन्हें बताइए राइट टू एजुकेशन क्या था, इन्हें बताइए राइट टू फूड क्या था, इन्हें बताइए। और सुरेंद्र जी मैं दूसरी बात बताता हूँ, जानकारी ये राइट इंफॉर्मेशन आपने दिया, मैं अरे 2005 के सूचना अधिकार का कानून आपने दिया, मैं कह रहा कि कानून के साथ आप कुछ खाने को दोगे नहीं दोगे उनको, जो गरीब लोग हैं झुग्गी झोपड़ियों में मलिन बस्तियों में रहते हैं परिवार, हमने 6 करोड़ परिवारों को गैस के कनेक्शन दिए, चूल्हा गैस
चुल्लार गैस सूचना का अधिकार दे दिया आपने, आपने सूचना का अधिकार दे दिया, राइट टू फूड जानते हैं क्या है? हम उसे मना नहीं कर रहे, आपने दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रोजगार की जो बात कर रहे हैं आप, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है। आप समझिए, 6 करोड़ आश्चर्य करेंगे आप, 6 करोड़ परिवारों को गैस का चुल्लार कनेक्शन दे दिया हमने। अवधेश कुमार जी, सुनील भराला, मुजफ्फर खान, जयराम जाटव जी, एके मिश्रा और सुरेंद्र राजपूत जी, पूरे प्रदेश की जनता, पूरे भारत की आप सभी का प्राइम टाइम में एफएम न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सभी का बहुत